हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ट्राइबल एथनोग्राफी सीरीज। आज जो हम ट्राइब के बारे में जानेंगे, दैट इज तोडास। ठीक है, तो वो ऐसी ट्राइब है जो हम महाभारत के टाइम से उसका एक रेप्लिकेशन देखते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम देखें पांडवास की जो मैरिज है, पांडवा ब्रदर्स की द्रौपदी के साथ जो मैरिज है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फ्रटर्नल पॉलीएंड्री, राइट? तो उसी मैरिज को निभाते हुए या उसी कस्टम को आगे बढ़ाते हुए जो ट्राइब आज की दुनिया में भी टिल रीसेंट टाइम्स उसी तरह को फॉलो करती थी, उस ट्राइब को हम कहते हैं तोडास। ठीक है, ट्रेडिशनली दे वर डिफरेंट, डेफिनेटली अभी चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन वी कंसिडर देम, या फिर एग्जाम्पल्स इसी तौर पर दिए जाते हैं ऑफ तोडा ट्राइब्स, दैट दे आर फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, दैट इज दे फॉलो फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। सो इसी इंट्रोडक्शन के साथ लेट मी गो देयर एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, जो थारू ट्राइब्स में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, तो उसमें मैंने आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में लिखना जरूरी होता है। जैसे लक्षद्वीप ट्राइब्स की जो वीडियो है, उसमें हमने देखा लीला दुबे के बारे में, उन्होंने वहां पे एक्सटेंसिवली काम किया था अबाउट इस्लाम एंड मैट्रिलिनी एक्सेट्रा, राइट? जो थारू ट्राइब्स है उसके ऊपर काम किया था डीएन मजूमदार ने, ठीक है? और आज जब तोडा ट्राइब्स हम देखेंगे, उनके ऊपर बहुत अच्छे से काम किया था WHR रिवर्स ने, राइट? तो अगर आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम एक ट्राइबल एथ्नोग्राफी में डाल पाएं, ठीक है, हर एक में आपको नहीं मिलेगा, डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जहां जहां आपको मिलते हैं आपको वो एडिशनली डालने चाहिए, ठीक है, फॉर दोज एक्स्ट्रा ब्राउनिंग पॉइंट्स। तो तोडा ट्राइब्स कहां मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स। अब जो हम नेक्स्ट ट्राइब भी देखेंगे या आगे भी देखेंगे ट्राइब्स को, तो हमने देखा था थारू ट्राइब्स, दे आर फॉर्म्ड इन द तराई रीजन, राइट? तो हर एक ट्राइब एक रीजन को बिलोंग करता है एंड वहां से वो कल्चरल एलिमेंट्स को अडॉप्ट करता है, ठीक है? ही अडॉप्ट्स टू द एनवायरनमेंट एंड देन ही बिल्ड्स अ डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर, ठीक है? तो ये जो नीलगिरी हिल्स है, जो लाइक क्लोज टू केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु बॉर्डर में, वहां पे हमको मिलती है नीलगिरी हिल्स। तो वहां पे एक्चुअली पांच ट्राइब्स हैं जो बहुत ही इंटरलिंकेज वे में वहां पर रहती हैं, ठीक है? तो इसको हम कह सकते हैं अ प्रिमिटिव फॉर्म या फिर अ ट्राइबल फॉर्म ऑफ जजमानी सिस्टम, ठीक है? जजमानी सिस्टम के साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं इन केस इफ यू वांट टू, ठीक है? तो यहाँ पर जो हम ट्राइब्स देख रहे हैं वो है तोडास, और ये सोशल हायरार्की में नीचे से ऊपर जाती है, मतलब तोडास बिलोंग टू द हाईएस्ट, मतलब लाइक ब्राह्मण्स, दे आर लाइक ब्राह्मण कास्ट, ठीक है? जस्ट correlating but not exactly, ठीक है? ये interlinkage way में ही रहती है वहां पर, एक दूसरे को, एक दूसरे की मदद करते हुए, so it is like a barter system only, ठीक है? अब तोडास के नीचे आएंगे बड़गास, बड़गास के नीचे कोटास, कुरुम्बास एंड इरुलास टूगेदर आर मोर ऑर लेस एट द सेम प्लेटफॉर्म, ठीक है? अब तोडास का क्या काम है? तोडास आर पैस्टोरलिस्ट, दे वर्शिप बफेलोस, तो उनके लिए बफेलो बहुत सीक्रेट है। जैसे मार्विन हैरिस ने कल्चरल मटीरियलिज्म में ही स्पोक अबाउट द काउ एंड द बीफ एक्सेट्रा थिंग्स, ठीक है, उसी तरह से जैसे काउ इज सेक्रेट फॉर द हिंदू सोसाइटी, उसी तरह से बफेलोज आर सेक्रेट फॉर द तोडा कम्युनिटी, क्लियर? सो इसी तरह से, और ये कहाँ रहते हैं? हायर एल्टीट्यूड्स में रहते हैं और सबसे सिक्लूडेड होते हैं तोडास, एंड दैट इज वाई दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव एंड द वे दे लिव इज वेरी यू नो सिक्लूडेड। उसके नीचे जो ट्राइब है वो है बड़गास, ठीक है? वो एक कैनरीज ट्राइब है जो एग्रीकल्चर करते हैं। अब वो क्या करते हैं कि तोडास के साथ डेरी का बार्टर करते हैं, दैट मींस बड़गास गिव द तोडास सम ग्रेन्स इन रिटर्न ऑफ व्हाट द डेरी प्रोडक्ट्स दैट कम फ्रॉम द बफेलोस मिल्क, क्लियर? और इसके अलावा वो क्या करते हैं, दे पे एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ ग्रेन्स, ठीक है? एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ ग्रेन्स, मतलब क्योंकि दे ऑल्सो कंसिडर कि तोडास एक अपर कास्ट है, उनके जो कम्युनिटी है वहां पर, दैट इज नीलगिरी हिल्स के कॉम्प्लेक्स में, ठीक है? तो वो उनको ट्रिब्यूट के तौर पर भी ग्रेन्स देते हैं, ठीक है? इट कुड बी अ मेमोरियबल इमेमोरियल कस्टम, राइट? इट कुड बी दैट दे आर ऑफरिंग इट टू सम काइंड ऑफ अ तोडा सॉर्सरी, और इट कुड बी दैट दे बिलीव दैट द ओरिजिनल लैंड बिलोंग्स टू द तोडास एंड दे आर जस्ट कल्टिवेटिंग द लैंड, सो दे आर पेइंग इट एज अ रेंट दैट दे पे फॉर द लैंड दैट दे आर कल्टिवेटिंग, ठीक है? द रीजंस कुड बी डिफरेंट, अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अलग अलग रीजंस दिए हैं, लेकिन द जो कस्टम पाया गया है वो इसी तरह का है कि दे पे एनुअल ट्रिब्यूट्स ऑफ ग्रेन्स एंड अदरवाइज दे डू बार्टर ट्रेड इन एक्सचेंज फॉर डेली, क्लियर? उसके नीचे अगर हम देखेंगे कोटास, ठीक है, कोटास जो है, तो अगर आप ये ट्राइबल एथनोग्राफी को ध्यान से देखें तो जब जजमानी सिस्टम आता है वहां पर भी आप इसका एलिमेंट डाल सकते हैं कि जजमानी सिस्टम एक विलेज को ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, इट इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ विलेज सिस्टम, इट इज ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट बट इन अ वेरिड फॉर्म ऑफ ट्राइबल सिस्टम ऑल्सो, ठीक है? तो इस तरह से आप ये एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। तो अगर हम देखें कोटास,
को जो यहाँ बिलोंग करते हैं वो दे एक्चुअली फॉलो आर्टिजानशिप, ठीक है। तो वो क्या एक्सचेंज करते हैं, मेटल वर्क दैट इज मेटल की चीजें, पॉटरी दैट इज जो क्ले है उनकी चीजें, इंस्टेड ऑफ वॉट, इंस्टेड ऑफ बफलोज फ्लैश, ओके। एंड दे वॉट डू दे डू ऑल्सो वेन देर इज अ फ्यूनरल दैट हैपन्स इन टोडास, ठीक है। तो दे हैव एलैबोरेट फ्यूनरल रिचुअल्स, तो उनमें जो चीजें लाती हैं सेरेमोनियल चीजें, ठीक है, तो वो प्रोवाइड करते हैं कोटास बिकॉज दे आर आर्टिजान्स, राइट। तो सेरेमोनियल चीजें क्या होंगी, एक कोई मटका होगा जिसमें यू नो एशेस भरे जाते होंगे या व्हाट्सो एवर, जिस तरह का भी उनका फ्यूनरल होता है उस हिसाब से वो वहां पर चीजें लेके आते हैं सेरेमोनियल जिसकी वैल्यू होती है, ठीक है। सो दैट इज वॉट कोटास डू इन एडिशन टू वॉट दे डू फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट दैट इज आर्टिजानशिप, ठीक है। उसके बाद में कुरुम्बास आर द मोस्ट फियर्ड आउट ऑफ द ऑल ट्राइब्स दैट बिलोंग टू नीलगिरी हिल्स, क्योंकि वो सॉर्सरी परफॉर्म करते हैं ऐसा माना जाता है, ठीक है। और जो इरुलाज हैं और कुरुम्बास टुगेदर दे आर फूड गैदरर्स, ठीक है। तो ये एक हायरार्की है आपका नीलगिरी हिल्स में। अगर हम पर्टिकुलरली तोडास की बात करें आज, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि दे आर पॉलीएंड्रस ट्राइब्स, दैट मींस दे फॉलो फ्रटर्नल पॉलीएंड्री। नाउ फ्रटर्नल मींस ब्रदर्स, ठीक है। तो सारे ब्रदर्स की एक ही वाइफ होती है, ठीक है, या एक वाइफ के जो हस्बैंड्स होते हैं वो सारे ब्रदर्स होते हैं, जैसे पांडवास का मैंने एग्जांपल दिया। अब उनका थोड़ा अगर यू नो फिनोटाइप अगर देखें उनकी, या उनके रेशियल जो एलिमेंट्स हैं वो देखें, तो दे हैव रिच ब्राउन कॉम्प्लेक्स। तो साथ साथ में ये फोटो भी देखते चले और कंपेयर करते चले, ठीक है। डिक थिक ब्लैक वेवी हेयर, राइट, सो वी कैन सी दे हैव सम वेवी हेयर, देन दे हैव डॉलिकोसिफेलिक हेड, देन दे हैव लॉन्ग ओवल शेप ऑफ फेस, ठीक है, देन दे हैव ब्राउन आईज, मीजोराइनी नोज, फुल लिप्स, राइट, टॉल स्टेचर, दे टेन टू बी अ लिटिल टॉल। वुमेन आर मोर लाइक वुमेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स perform or have tattoos, and men have cicatrices, that is it is a mark of sword or some kind around their shoulder, which is what they you know adopt. Maybe they could have that as a part of their rites of passage when they grow into manhood or anything, okay, it could be due to any reason. Agar hum unka habitat dekhe to unke jo traditional homes hote hain Toda tribes ke, wo kuch is tarah ke dikhte hain, clear aapko nazar aa raha hoga, theek hai। Aur तो अगर हम उनके थोड़े और डिटेल्स जाने, तो दैट इज देयर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर जाने, तो दे हैव ड्यूअल ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस दे आर डिवाइडेड इनटू टू मोइटीज एंड बोथ द मोइटीज आर एंडोगैमस, मतलब एक मोइटी दूसरे मोइटी के साथ नहीं बट विद इन द मोइटी ही दे परफॉर्म मैरिजेस, ठीक है। और उनको हम डिवाइड करेंगे थार थार एंड तेवेली, ठीक है, और वो डिवाइडेड हैं एक्सोगैमस क्लैंस में, दैट मींस विद इन द मोइटी दे मैरी in the outer clan to which they belong, and then they have territorial integration, then cross cousin marriages is the most preferred marriage that they have, infant marriages are also done, marriage by negotiation is done, widow marriages are done, and divorce is divorce ka jo reason hota hai, it is not about you know having extramarital affair or any other reason that is that happens for divorce now. Divorce in this region happens because of laziness. अगर आपका spouse lazy है तो आप divorce कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही शानदार सी चीज़ नहीं है कि your divorcing because your partner is lazy, all right। तो अब residence जो होता है वो patrilocal या very local होता है, ठीक है। Then they have composite conjugal family, okay, they prefer a composite conjugal family. Then primogeniture होता है, मतलब जो सबसे बड़ा होता है बेटा उसी को प्रॉपर्टी दी जाती है, सो दैट इज वॉट दे बिलीव इन, ठीक है। और देन नो अडॉप्शन ऑफ प्यूबर्टी राइट्स, ठीक है, जो प्यूबर्टी राइट्स मैंने बोले हैं या फिर राइट्स ऑफ पैसेज में भी आपने पढ़े होंगे, तो उसमें उस तरह के राइट्स ये फॉलो नहीं करते, दे डोंट बिलीव इन ऑल सच राइट्स। बट जो प्रेगनेंसी रिचुअल्स हैं, ठीक है, व्हेन अ वुमन गेट्स प्रेग्नेंट और व्हेन शी इज फर्टाइल, सो दैट टाइम जो मतलब राइट्स या रिचुअल्स होते हैं वो बहुत एलैबोरेट वे में वो मनाते हैं, ठीक है। सो दे काइंड ऑफ वर्शिप फर्टिलिटी वी कैन से। अगर हम उनकी रिलीजन की बात करें, तो ये जो एक ट्री है नागा ट्री, इसके वुड से जो फ्यूनरल होता है वो जलाया जाता है, और फ्यूनरल भी दो तरह का होता है, ग्रीन एंड ड्राई फ्यूनरल, ठीक है। अब ये तो आपने एंथ्रोपोलॉजिकल बुक्स में भी पढ़ा होगा कि जो ग्रीन फ्यूनरल होता है इट इज लाइक अ टेम्पररी और इट इज डन फॉर द चाइल्ड पर्सन हु मस्ट हैव डाइड, ठीक है। और जो ड्राई फ्यूनरल होता है वो कुछ दिन के बाद में होता है, एंड इट इज द फाइनल फ्यूनरल आफ्टर विच द पर्सन कैन नॉट कम बैक, समथिंग लाइक दैट, दैट इज व्हाट दे बिलीव। अब अगर हम उनके कोर रिलीजियस बिलीव्स को अगर हम देखें, तो वो एनुअल रिचुअल
flesh of buffalo allowed, else they are strict vegetarian. मतलब जो क्योंकि they consider buffalo as sacred, because that is where they get their livelihood from. ठीक है, तो उनको annual तौर पे ही उनका sacrifice किया जाता है और उसके flesh को वो consume करते हैं. Otherwise they are strictly vegetarian. Okay, they eat dairy products etc. But they don't consider eating beef. The todas. ठीक है, लेकिन अगर यहाँ हम देखें ऊपर tribes में, तो these people, that is Kurumbas, Kotas, Irulas. So, considering the lower tribes of Nilgiri Hills, they consume non-vegetarian, but the upper tribes do not consume such. ठीक है? तो अब ये जो है, ये they are trained to make fire. Okay? They are considered that they are trained to make fire. दूसरा, flesh of animals except sambar deer is taboo. That means sambar deer एक और animal है जिसको वो you know they kind of slaughter or eat or sacrifice and eat. ठीक है, अदरवाइज दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी फॉरबिडन है उनके रिलीजियस एलिमेंट्स में. ठीक है, और वो सॉर्सरी परफॉर्म करते हैं, होम्योपैथिक मैजिक, कंटेजियस मैजिक भी परफॉर्म करते हैं. ये भी आपके जो सिलेबस है उसमें ये टर्म्स हैं. ठीक है, अब इनके जो दो इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं वो है तेकजी एंड ऑन, तेकजी एंड ऑन. ठीक है, और प्रीस्ट एंड मेडिसिन मैन ऑपरेट इन पेयर्स. अब यहाँ पर बहुत ही ब्यूटिफुल रिलेशनशिप है, एक रिलीजियस एलिमेंट का और एक हेल्थ परस्पेक्टिव का. तो इसी तरह से जब आप कोई सजेशन दे रहे हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं कि प्रीस्ट, मेडिसिन मैन और आज के जो यू नो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, उन सबको इंटीग्रेट होकर ट्राइबल हेल्थ सिस्टम को डेवलप करना चाहिए. ठीक है, बिकॉज मेडिसिन मैन विल फोकस ऑन द फेथ हीलिंग, बट जिसकी बात वो सुनते हैं वो प्रीस्ट होते हैं उस ट्राइबल रीजन में. सो दैट इज वाई यू हैव टू टेक देम ऑल्सो इन कॉन्फिडेंस. ठीक है, अब बफेलो सेक्रोसेंट है, हर जगह उनका मतलब वो है. ठीक है, और टेम्पल सैंक्टम सैंक्टोरम इज नरिश्ड ओनली विथ बफेलोज घी. जो सैंक्टम सैंक्टोरम है वहां पर जो भी चीज होगी वो बफेलो घी से ही बनाई हुई वहां पर पहुंचाई जाएगी. ठीक है, और जेनेटिकली यूनिक होते हैं जो बफेलोज वहां के नीलगिरी ट्राइब्स के हैं. तो अगेन यू कैन टॉक अबाउट दिस इन योर GS ऑल्सो, जहां पर आप लिख सकते हैं कि किस तरह से ट्राइबल्स ट्राइंग टू कंजर्व यू नो इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ इंस्टेड ऑफ हाइब्रिड, और वही काम में आते हैं व्हेन दे इंटरब्रीड, राइट. सो दैट इज व्हाट यू कैन डू. आई थिंक एक स्कीम भी है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, बट यू कैन डेफिनेटली यू नो रिकॉल और विजिट गूगल फॉर मोर डिटेल्स ऑफ दैट. ठीक है, और ये जनरली यूनिक है. और वो जो एक डिश बनाते हैं उत्तिदिनाश, ठीक है, वो स्पेशली बफेलो के मिल्क से ही बनाई जाती है. उसमें और दूसरे कॉम्पोनेंट्स ऐड करते हैं, बट दैट इज द मोस्ट चेरिश्ड डिश दैट टोडास लाइक टू परफॉर्म. देन डिमिनिशिंग ग्रासलैंड्स. अब बफेलोज जो हैं वो काफ़ी मतलब दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द टोडास. ठीक है, लेकिन जो ग्रासलैंड्स डिमिनिश हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी वजह से उनका लैक ऑफ फॉर्डर हो रहा है. मतलब बफेलोज आर नॉट गेटिंग द ओन फूड बिकॉज ग्रासलैंड्स कम हो रहे हैं. ठीक है, एंड बिकॉज ग्रासलैंड्स नहीं है दे आर मोर विजिबल टू द प्रीडेटर्स, सो दे बिकम प्रे, और उस तरह से भी उनकी मौत हो रही है. मतलब खाना भी नहीं मिल रहा है और वो दूसरों का खाना बन रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम द टोडास आर फेसिंग टुडे. सो अगेन द गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन बिकॉज बफेलोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, अगर हम एक तरह से देखा जाए या माना जाए. ठीक है, तो अगर हमको उनको सेव करना है, दैट इज इफ यू वॉन्ट टू सेव द टोडा कल्चर, वॉट डू हैव टू सेव फर्स्ट, यू हैव टू सेव द बफेलोज, एंड दैट इज वाई द गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन एंड डू समथिंग अबाउट द इंडिजिनस बफेलोज दैट दे आर ट्राइंग टू कंजर्व. क्लियर, तो उनको बचाना जरूरी पड़ जाता है. और दूसरा, विद एग्जॉटिक प्लांट्स वाटर टेबल्स आर ऑल्सो डिप्लीटिंग, क्योंकि वहां पर डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, उसकी जगह पर दूसरे प्लांट्स उग रहे हैं या ट्रीज उग रहे हैं जो ज्यादा पानी खींच रहे हैं, जैसे यूकलिप्टस हो गया. तो उस वजह से वहां की जो वाटर टेबल्स है वो भी डिप्लीट हो रही है, उसकी वजह से अगेन दे आर हैविंग अनदर इम्पैक्ट. क्लियर, अब उनके अगर हम थोड़े इकोनॉमिक दूसरे एक्टिविटीज के बारे में अपार्ट फ्रॉम द बफेलो हर्डिंग अगर देखें, तो एम्ब्रॉयडरी के ऊपर भी फोकस किया गया है, और न्यूज में भी इसलिए था बिकॉज दे यू नो डिजाइंड द कोविड मास्क इन देयर पर्टिकुलर पैटर्न. अगर आप यहाँ पर फोटो में भी देख पा रहे हो, तो दे जनरली यूज रेड एंड व्हाइट थ्रेड एंड ओकेजनली दे यूज ब्लू ऑल्सो समटाइम्स, और उसको ट्रेडिशनली बोला जाता है पोहर, और उसको GI टैग भी मिला है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा GS एलिमेंट भी आ गया है इसमें. और इनकी जो लैंग्वेज है वो अपनी ओन लैंग्वेज है, टोडास की ओन लैंग्वेज है, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट नहीं है. एंड अगेन आई ऑलरेडी मेंशन जो 2020 के वैल्यू एडिशन मटेरियल में भी दिया गया है कि अगर सबसे बड़ी दिक्कत जो इंडिया में है और जिसके ऊपर GN देवी ने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है कि वी हैव
प्रोटेक्टेड और ट्राइंग टू प्रोटेक्ट ओनली सच लैंग्वेजेस जिसकी स्क्रिप्ट है, लेकिन उन लैंग्वेजेस का क्या, उन हजारों लैंग्वेजेस का क्या जिसकी स्क्रिप्ट नहीं है, जिसको सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वंस यू लूज अ लैंग्वेज यू लूज द होल कल्चर, राइट? सो दैट इज वाई वी हैव टू काइंड ऑफ सेव देयर ओन देयर लैंग्वेजेस ऑल्सो, इवन इफ दे हैव स्क्रिप्ट और दे हैव नो स्क्रिप्ट, राइट? एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में एक भारतीय स्क्रिप्ट करके भी डिजाइन की गई है, उसके बारे में भी अगर आप चाहें तो आप थोड़ा और पढ़ सकते हैं, राइट? और उनकी जो ट्रेडिशनल शॉल्स होती हैं टोडास की, उनको भी वो ही बुनते हैं एम्ब्रॉयडरी करते हुए, उसको कहते हैं पुतुकुली। तो ये वर्ड्स अगर आप ऐड करते हैं उनके कल्चरल एलिमेंट से उठाकर तो भी थोड़ा इंप्रेशन बढ़ जाता है। इफ यू राइट टोडा शॉल इट विल डेफिनेटली बिकॉज इट इज अ यूनिक पॉइंट यू विल गेट मार्क्स, बट इफ यू मेंशन टोडा शॉल नोन एज पुतुकुली यू विल गेट एडिशनल मार्क्स। सो इस तरह से फायदा होता है जब आप इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आप फोटो में देख रहे हैं कि विमेन सल्यूटिंग ओल्डर मेल। अब ये सल्यूटिंग का मतलब आशीर्वाद लेने का तरीका है टोडाज में। एक यंग विमेन अगर एक उनसे बड़े आदमी का आशीर्वाद लेना चाहती है तो वो इसी तरह से लेगी। हम क्या करते हैं इन द जनरल मेन स्ट्रीम इंडियन सोसाइटी, वी टच द फीट ऑफ एल्डर्स, बट यहाँ पर दे टेक द फीट ऑफ एल्डर्स एंड ब्रिंग इट टू देयर हेड, राइट? तो अगर हम उनके थोड़े फैमिली और किनशिप के बारे में देखें तो दे फॉलो क्लासिफैक्टरी किनशिप, ओके? तो ओल्डर सेम एज और यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के सबके डिफरेंट नाम होते हैं। मतलब ओल्डर जनरेशन के अगर कजन्स होंगे तो उनको अलग नाम से बुलाया जाएगा, लाइक अगर यंगर जनरेशन के होंगे तो उनको अलग नाम से, और हमारे एज के जो कजन्स होंगे उनको अलग नाम से बुलाया जाएगा, ठीक है? अब किनशिप बिहेवियर में आप क्या लिखेंगे? किनशिप बिहेवियर इज अ कंपोनेंट ऑफ योर सिलेबस। तो जो टोडाज हैं दे फाइंड इट अ टैबू टू टेक द नेम ऑफ देयर फादर इन लॉ और मदर इन लॉ और एंड मदर इन लॉ, क्लियर? एंड दूसरा दे ऑल्सो रिलक्टेंट टू अटर देयर ओन नेम्स, खुद का भी नाम लेने से वो कतराते हैं और जो मर चुके हैं उनका भी नाम लेने से कतराते हैं, और आपके फादर इन लॉ मतलब सास ससुर का भी नाम, बी मेल और फीमेल बोथ, दे आर रिलक्टेंट टू टेक और दे फाइंड इट अ टैबू टू टेक द नेम्स ऑफ फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, क्लियर? और उनके जो फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन है, ये तो वन फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल है कि जो छोटी वुमेन होती है वो अगर उससे बड़े आदमी की का आशीर्वाद लेगी तो वो इस तरह से लेगी। तो इस तरह से एक डेफिनेट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन है, जैसे बच्चा है या जैसे कोई भी लाइक इंडियन सोसाइटी में आप नमस्ते करते हैं, ठीक है? कहीं और जाएंगे तो आप हेलो बोलेंगे, कहीं और जाएंगे तो आप सलाम करेंगे। तो इस तरह से डेफिनेट फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन इन वेरीड सोसाइटीज या रिलीजन्स में है। उसी तरह से विद इन द टोडाज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिलेशनशिप दे हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन। सो दिस विल बी अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल कंसिडरिंग किनशिप बिहेवियर में अगर आपको लिखने का मौका मिलता है तो, ठीक है? दूसरा ये फॉलो करते हैं पैट्रिलिनियल डिसेंट, ओके? सो द वर्ड इज वेरी अंडरस्टूड, यू मस्ट हैव रेड इट इन योर सिलेबस ओनली। अब यहाँ पे जो है दे काइंड ऑफ emphasize on social fatherhood because it is a polyandrous marriage that they have, nobody will actually know who the father is, right? So that is why social fatherhood ki jo concept hai wo eject hui hai, aur jo social father banta hai wo ek bow and arrow ceremony ke baad banta hai. To ye bhi aap likh sakte hain, theek hai? Wherever you can adopt the points that you are able to internalize from this video, you can use it in any answer. जहां पे भी आपको लगे कि ये पॉइंट डाल सकते हैं वहां पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद इंडिविजुअल फैमिली और क्लैन ओनरशिप होती है प्रॉपर्टीज में, ठीक है? तो प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल बेसिस पे भी डिवाइड किया जाता है, फैमिली बेसिस पे भी और क्लैन बेसिस पे भी। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है प्राइमोजेनिचर एंड अल्टीमोजेनिचर, मतलब बड़े और छोटे दोनों भाई को कुछ ना कुछ मिलता है। सो देयर इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्डर ब्रदर एंड द यंगेस्ट ब्रदर, ठीक है? अब पीपल जो गवर्न होते हैं वो किस बेसिस पे गवर्न होते हैं? वो नायम होल्ड्स द एब्सोल्यूट पावर, ठीक है? सिविल डिस्प्यूट्स में एब्सोल्यूट पावर होल्ड करते हैं, और क्रिमिनल जो केसेस हैं उसमें कोई वॉइस, दे डोंट हैव एनी वॉइस। अब ये जो नायम है वो क्या किस तरह से, जैसे पंचायत हो गया उसी तरह का कंसिडर किया जाता है, तो वो होते हैं फाइव मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उस काउंसिल को, जो तीन जो होते हैं वो थार थार को बिलोंग करते हैं। हमने ऊपर देखे थे दो मोइटीज दैट टोडाज आर डिवाइडेड इन टू, तो थ्री बिलोंग टू द वन मोइटी, वन बिलोंग्स टू द नेक्स्ट मोइटी, एंड एक जो है वो बड़गा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। हमने ऊपर देखा था टोडास, बड़गास, कोटास, कुरुम्बास एंड इरुलास। तो
इन दैट वे बडगाज ऑल्सो हैव अ से इन देयर पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अगर हम नीचे देखें तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया था आपको, जजमानी से आप इंटरलिंक कर सकते हैं, और जो उनका जो हमने वो देखा था, दैट इज देयर हैबिटेट. ठीक है, उसको हम कहते हैं मुंड. ठीक है, उटकमंड, उसी से उटकमंड से बना ऊटी, राइट. और कारशमुंड जो है उस एरिया में सिर्फ 6 फैमिलीज के वैसे हैबिटेट्स बचे हुए हैं, और आज की तारीख में 2000 से कम तोडा ट्राइब्स बचे हुए हैं. ठीक है, पैस्टोरलिस्ट्स और ग्रासलैंड्स और बफेलोज का इंटरलिंकेज मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया. ये एक और पॉइंट आप नोट करें कि जो चाइल्ड फ्यूनरल होता है, मतलब बच्चे का अगर फ्यूनरल होता है, ठीक है, तो जो अगर बच्चा मेल है, इफ इट इज अ मेल चाइल्ड जिसका फ्यूनरल हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होती है या फिर जिसको रिचुअल्स परफॉर्म करने होते हैं वो उसकी फीमेल क्रॉस कजन होती है, क्योंकि हमने देखा कि क्रॉस कजन मैरिजेस प्रिविलेंट है. तो ऐसा माना जाता है बिकॉज ही वॉज अनमैरिड एंड ही डाइड, सो जो हक होता है वो उसकी फीमेल क्रॉस कजन को होना चाहिए, जिस तरह का बीवी का होता है. ठीक है, और अगर फीमेल चाइल्ड का फ्यूनरल होता है तो उसको जो फ्यूनरल होते हैं वो प्रेगनेंसी राइट्स करते हुए फॉलो किया जाता है. ठीक है, और अगर अडल्ट का फ्यूनरल होता है और अडल्ट मेल है, तो जो क्रियाकर्म जो करते हैं वो या तो उसका बेटा करेगा या फिर उसका भाई करेगा. अगर फीमेल मरती है तो उसका हस्बैंड करेगा, और अगर चाइल्ड मरता है तो उसका फादर करेगा. सो दिस इज अबाउट दैट. ठीक है, और दूसरी बात जो मैं बोल रही थी लैंग्वेजेस को सेव करने के लिए, तो मैं वही कह रही थी कि स्क्रिप्ट के बेसिस पे लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए. इवन इफ देर आर नो स्क्रिप्ट, यू हैव टू काइंड ऑफ मेंशन द लैंग्वेजेस. ठीक है, और उसको क्या करना चाहिए, डिजिटल मीडिया विथ ऑडियो विजुअल फॉर्मैट कैन हेल्प प्रिजर्व द लैंग्वेजेस एंड देयर ट्रेडिशनल नॉलेज. ठीक है, तो वी हैव टू यूज डिजिटल मीडिया एंड ऑडियो विजुअल फॉर्मैट्स सो दैट वी कैन सेव. अगर टोडास का स्क्रिप्ट नहीं है, बट वी कैन ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट देम द वे दे आर स्पीकिंग और द वे दे आर यू नो गोइंग ऑन विद देयर रिचुअल्स एंड कस्टम्स. सो दैट इज वॉट वी कैन डू टू डू दैट, राइट. एंड और दूसरा, काफी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने टोडास के बारे में पढ़ा है, लेकिन जो उनका इंटरेस्ट है टोडा फैमिलीज को पढ़ने के लिए, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पॉलीएंड्रस मैरिज और स्पेसिफिक्स ऑफ द थिंग्स ओनली. ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको उनके बेटरमेंट के लिए यूज नहीं किया है. तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह एक एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में भी आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वी नो दैट दे बफेलोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम एंड वी ऑल्सो नो दैट ग्रासलैंड्स आर डिक्रीजिंग. तो आप क्या करेंगे, आप जो ग्रासलैंड्स है उनको प्रोटेक्ट करेंगे और उसके थ्रू बफेलोज को भी प्रोटेक्ट करेंगे. सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू टू प्रिजर्व द कल्चर ऑफ टोडा, क्योंकि इकोनॉमी है, किसी भी कम्युनिटी की इकोनॉमी सेफ है तभी तो वो प्रॉस्पर करेंगे, राइट. सो दैट इज वॉट है. और जो वो मिथ फॉलो करते हैं, जो ऑन है, मैंने आपको दो बताए थे, तेकेजी एंड ऑन, दे कंसिडर बोथ ऑफ देम एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स. तो उनमें से जो ऑन है, उन्होंने 1600 बफेलोज को धरती पे यू नो फ्लरिश किया, एंड उसके बाद जो टेल ऑफ बफेलो है वहां से फर्स्ट मैन बना, और उस मैन की रिब से बनी वुमन, दैट इज वॉट दे बिलीव. सो दिस इज देयर अगेन रिलीजियस बिलीफ, दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू एड. So yeah, this was about Toda tribes today, and I will see you with another tribe next time. Bye.